वेलकम गाइस। तो इस बार का भाई शाउट आउट लिया है इस बंदे ने जो मेरे लास्ट वीडियो पे फर्स्ट आया था। आई एम रियली थैंकफुल कि ये बंदा मेरा सब्सक्राइबर है, ऑलमोस्ट हर वीडियो देखने आता ही है। थैंक यू सो मच चिकू भाई, विल सी यू अगेन, आई लव यू। वेलकम बैक गाइस टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। आप बहुत टाइम से वेट करोगे, मैं बहुत दिन से ट्यूटोरियल लेकर नहीं आया हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई वॉज नॉट वेल ऑल द डे अलॉन्ग, तो नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा, हम लोग आने वाले बहुत ही स्मूथ रिवर्स स्कोप इफेक्ट, और ये बहुत ही ईजी करना। और जो भी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड ये ट्यूटोरियल टाइम ईमेल पर बेस्ड है। अगर आपको ट्विस्टर के थ्रू करना है तो ट्विस्टर के थ्रू भी सेम की सेम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइम लैप्स से करा हुआ है। सेकेंड थिंग, ये इनिशियल थे टाइम रिमैपिंग के लिए। मैं जो ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ फुल सीरीज, उसमें टाइम रिमैप पूरा फुल ऑन यूज़ करने वाला हूँ, कहीं कहीं आपको ट्विस्टर के थ्रू भी समझाऊंगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा जैसे कि आप टाइम रिमैप सीख पाएँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्लिप अरेंज कर लिए, मतलब बेसिकली क्लिप पेस्ट कर दी, अरेंज तो नहीं करिए, और मैंने कुछ मार्कर्स डाल रखे हैं जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि कहाँ से मुझे क्या स्टार्ट करना है। तो जैसे कि स्टार्ट है, फिर स्कोप इन है, रिवर्स स्टार्ट है, देन फायर इन है, राइट। सो बेसिकली जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से क्लिप को कट करने वाले हैं, वो सिंपल एक इनिशियल स्टार्ट टाइप का देंगे। ठीक है, तो मैं वो क्लिप का पोर्शन फाइंड कर लेता हूँ जहाँ से मुझे स्टार्ट टाइप का देना है। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं ऐसे अल्ट ब्रैकेट दबा के मैंने कट कर लिया। ठीक है, अभी मैं करूँगा उस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे स्कोप इन होने वाला, राइट। तो ये कैरेक्टर यहाँ मूव कर गया, मैं को इसी जगह से कट कर लेता हूँ कि वहां से स्कोप इन करना है। तो अभी मैं करूंगा स्कोप इन वाला पार्ट ढूंढूंगा कहाँ पर है, सिंपली उसको ड्रैग करते जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे देखो स्कोप आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो इसी जहाँ से स्कोप स्टार्ट हो रहा है इसी फ्रेम से मैं कट कर ले रहा हूँ। अगेन मैं अल्ट ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ कट करने के लिए स्टार्ट से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आपको कहाँ तक का स्कोप लेना है, ठीक है। पूरा स्कोप आ रहा है तो मैं कुछ यहाँ तक का स्कोप लूंगा, इस पोर्शन तक का स्कोप लिया है मैंने, ये आप पे डिपेंड है, जहां तक का लेना चाहे वहां तक ले सकते हैं। इस वाले क्लिप में यहाँ तक का ही सूट करेगा क्योंकि इसके बाद फायर होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ से मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के कट कर लूंगा, ठीक है। और इस वाले क्लिप को सिंपली ये फायर इन वाले पोजिशन पे डाल देना है, ठीक है। कोई चेंजेस मत करिएगा इसके अंदर, सीधे फायर इन वाले पोजिशन में डाल दीजिए। अभी यहाँ पर ये क्लिप बची है जिससे हमें पूरा एरिया फिल करना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट टी दबाइएगा तो आपका टाइम रिमैप ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो राइट क्लिक करके टाइम पे जाके इनेबल टाइम रिमैपिंग भी कर सकते हो। ट्राई करो कि आप शॉर्टकट की कमांड से ज्यादा से ज्यादा काम करो, ठीक है। जैसे आप करोगे तो आपको ये ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। आपको की फ्रेम नहीं दिख रहे, आपको पहले आई दबाना है, एक की फ्रेम डालना, ओ दबाना है, की फ्रेम डालना है, इस एरिया का यूज करिएगा और एंड में पहुंचिएगा। जो भी की फ्रेम दिख रहा है उसको डिलीट मार दीजिए। सिंपली फिर से फर्स्ट की फ्रेम पे आइए, फिर से इस एरिया का यूज करिए, उसको डिलीट मार दीजिए। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ दो की फ्रेम के अंदर ही मेरा सब कुछ होने वाला है, इसलिए दो की फ्रेम के अंदर मैं इस क्लिप को लिमिट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ तक करना है तो मैं इसको खींच के यहाँ तक ले आऊँगा। एक फ्रेम ऊपर रखेगा हमेशा, क्योंकि ये लास्ट वाले की फ्रेम वगैरह ऐसे रखोगे तो ये गायब हो जाएगा, राइट। एक फ्रेम ऊपर रखेगा, ओके। उसके बाद आपको सारे सेलेक्ट कर लेना है, F9 दबाना है। चाहो तो आप जाके इसको राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस पे गए ईजी ईज क्यों कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देखिएगा। टाइम मैपिंग इज ऑल अबाउट ग्राफ, ठीक है। जितना जैसा ग्राफ बनाओगे वैसे ही आपका टाइम मैप होगा। तो अभी जैसे कि पूरा टाइम मैप पे टोटल तो है नहीं है, बट आपको मैं कुछ चीज समझाता हूँ जैसे आपको समझ में आए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, राइट। ये लाइन जितनी लंबी होगी, राइट, उतना ही ये फास्ट मूव करेगा। ये वाला जो की फ्रेम है इस वाले की फ्रेम पर उतना ही फास्ट मूव करेगा, ठीक है। सिंपली ये वाला की फ्रेम अगर इसको नीचे आप ड्रैग करते हो तो ये वाला की फ्रेम इस पोजिशन पर आने के लिए जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, हम लोग जीरो टू हीरो वाले सीरीज में पूरा अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफ कैसे करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ उसका कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस वाले को उठाकर सबसे ऊपर ले आएगा। दूसरी बात, इस वाले की फ्रेम अगर शुरू में आपको यहाँ पर होगा, इसको शिफ्ट दबाकर इसको एंड तक ले जाइएगा, ठीक है। ये दोनों की फ्रेम, ये दोनों डंडी दिख रही है, इसको पे करना है बेसिकली, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है, ये क्रॉस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस जैसे हो जाए इस वाले की फ्रेम को वापस खींचेगा, पीछे ले जाएगा शिफ्ट दबाकर। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो आपका ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक चीज हमने मिस करती है, वो क्या है, यहाँ पे फ्रेम ब्लेंडिंग। वो आप जाइएगा इस पर एक बार क्लिक करेगा, दो बार क्लिक करेगा, दो बार क्लिक करना है तो आपका फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे करोगे तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अभी हमने करना है क्या, रिवर्स स्कोप करना है इसको, हमें ध्यान सुनिएगा। इसको करिएगा कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए,
इसको उठा के आप एंड में ले जाइएगा और यू दबाइएगा, इसके की फ्रेम से इसका की फ्रेम मैच कर दीजिएगा। ओके, कि इतनी बड़ी जगह खाली है मेरी, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक और इसको उठा के यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर हो गया। अभी इसको वापस की फ्रेम सेलेक्ट करिएगा, वापस के अंदर जाइएगा, क्योंकि की फ्रेम जैसे आप एक्सटेंड करते हो की फ्रेम्स को तो वो बिगड़ जाती हैं, तो आपको बेसिकली इस फिर से सही कर देना है की फ्रेम को, जिससे मैंने पहले बताया था वैसे करना है। इसको खींच के थोड़ा सा ऊपर रखना है और वापस इसको पीछे ले आना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी आपको करना है कि स्प्राइट क्लिक करिएगा, टाइम पे जाइएगा, रिवर्स लेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिवर्स लेयर करोगे तो हो सकता है कि आपका की फ्रेम आगे पीछे जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको एक आगे पीछे कर लीजिएगा और स्टार्ट से कट कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल एम्प्टी से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से एक चाहो तो बढ़ा दीजिएगा, ये इस पर ख़त्म होना चाहिए। तो अभी देखो कैसा आएगा आपका। ठीक है, ये देखो अभी बहुत बढ़िया था, बिल्कुल स्मूथ आया और बहुत जल्दी बन गया। इसमें दो चीज़ बहुत ध्यान किए, जहाँ से आपने स्कोप इन वाला कट करा है, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच होना चाहिए, तभी आपको स्मूथ दिखाई देगा, नहीं तो वो झटका सा दिखाई देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसका जो हमने कर्व किया है वो स्मूथ कर्व होना चाहिए, अदरवाइज स्मूथ कर्व नहीं होगा तो ये इस पॉइंट पर झटका आएगा जो कि स्मूथनेस नहीं दिखाएगा। इसलिए तो ये दो चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है। तो ये देखो कितना मस्त बन गया है। इसी पे अगर आप बेसिकली अपने इफेक्ट्स डाल दोगे, शेक्स डाल दोगे, ग्लिस डाल दोगे, जो डाल दोगे आपका और बेहतरीन बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इसको ऐसा डालते हो तो ये कैसा दिखाई देगा, तो देखते हैं। तो देखो यार बहुत जानदार लगा, ये बहुत शानदार बना है। फिर से प्रीव्यू करते हैं, देखो बहुत शानदार है राइट। तो बहुत ईजी इफेक्ट है भाई, तो बहुत जल्दी बन गया और अपन ने कुछ कुछ टाइम में भी सीखा इसमें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम रियली हैप्पी कि जो रिसेंटली मुझे सपोर्ट दिखाया जा रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू अगेन इन अनदर एडिट ऑटो ट्यूटोरियल्स। यू बाय बाय।